नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करना है और क्या क्या सावधानी रखनी है तो वो सारा कुछ बताएंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंजन ऑयल चेंज करने के लिए आपको जो ड्रेन बोल्ट है उसके लिए स्पैनर चाहिए, रिंग टाइप हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक फिल्टर, जो ऑयल फिल्टर, उसको खोलने के लिए ये टूल चाहिए। अगर ये टूल नहीं है आपके पास तो पतला फैन बेल्ट हो, उससे भी खुल जाता है, वो मैं आपको बता दूंगा। और एक ये बर्तन चाहिए साहब, जिसमें हम जो पुराना ऑयल है वो निकालेंगे। अगर आप जैसे सर्दी में ऑयल चेंज कर रहे हैं तो गाड़ी को थोड़ा थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए गर्म कर लें, ताकि जो ऑयल है उसकी विस्कोसिटी थोड़ी सही हो जाए, ताकि उसको हम आराम से ड्रेन कर सकें। तो इसका ऑयल जो बोल्ट है वो खोलने के लिए नीचे यहाँ पे दिया है, देखो ये इसमें 70 mm का बोल्ट ये लगा हुआ है रिंग स्पेंडर। तो इसको आप वैसे चेक कर लो इस तरीके से हाथ से, किस तरीके से खुलेगा। जैसे अभी इस तरीके से टाइट होगा तो इस तरीके से खुलेगा। तो ये ऊपर हम इसको चोट लगाएंगे ऐसे, कई बार ऐसे खुलता नहीं तो चोट लगा लें हथौड़े से, तो इस तरीके से ये लूज हो जाएगा। इसको थोड़ा सा लूज कर ले। अगर आपने इंजन को ड्राइव कर रखा है काफ़ी देर तक और इंजन ऑयल गर्म है तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा, आपको कहीं हाथ वगैरह जल ना जाए, क्योंकि इंजन बहुत गर्म होता है और उसी तरीके से तेल भी बहुत गर्म होगा। तो एकदम से आप खोलें कहीं हाथ जल जाए। तो अभी ये बोल्ट हमने लूज कर लिया है। तो अभी दोस्तों, इससे गर्मी है तो मैं इंजन को ज़्यादा चलाया नहीं है, तो वैसे ही काफ़ी गर्म ही है इंजन गर्मी में, तो इसको खोल देते हैं धीरे धीरे। तो ये पूरा ड्रेन होने देते हैं, एक बार ये पूरा निकल जाएगा उसके बाद हम इसको साफ करेंगे थोड़ा सा डीजल डाल के। डीजल डाल के थोड़ा सा 20-30 सेकंड तक इंजन को घुमाएंगे, उसके बाद जो पूरा जो मिट्टी वगैरह होगी वो सारी निकल जाएगी। तो इसको ड्रेन होने देते हैं एक बार। दोस्तों, अभी फिल्टर रिमूव कर लेते हैं, तो इसको लूज कर लेते हैं पहले। तो इसको लूज करने के लिए ये देखो टूल है ये, तो इस तरीके से लगा के और इसको टाइट करके पूरा, और इसको इस तरीके से घुमाना तो ये खुल जाता है। तो इसको अब ये है हाथ से लूज कर लेंगे, तो इसमें भी थोड़ा ऑयल होता है तो वो एक बार ड्रेन हो जाता है पूरा, फिर इसके नीचे करेंगे। देखो ये टप टप खोलने लग गया, बाकी बर्तन बड़ा है साथ में कर देते हैं। तो इसको खोल लेते हैं, तो इसके अंदर भी ऑयल निकलेगा, इसका भी ऑयल आप निकाल के फिर इसको वापस लगाएंगे एक बार। दोस्तों, थोड़ा सा ऑयल जैसे इंजन में रह जाता है तो हम क्या करेंगे, ब्लोअर यूज़ करेंगे। ब्लोअर से यहाँ से हवा डालेंगे तो थोड़ा भी जो बचा होगा वो फिल्टर के पास से, फिल्टर के वाला जो होला वहाँ से, और जो ड्रेन बोल्ट है वहाँ से निकल जाएगा। तो अभी मैं नीचे दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, जो ड्रेन किया हुआ ऑयल है वो एक बर्तन में निकाल देते हैं, ये कई बार काम आ जाता है घर पे, तो काफ़ी गाढ़ा वर्क है। देखो दोस्तों, एक बार पुराना फिल्टर थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं डीजल डाल के, बाकी फिल्टर वैसे तो नया लगाएंगे, पर एक बार ये लगाएंगे तो इसका ऑयल है वो, जो इंजन ऑयल है वो सारा निकल जाएगा अंदर से। थोड़ा सा डीजल डाल के गाड़ी घुमाएंगे एक बार, इंजन को घुमाएंगे, ताकि जो जैसे जैसे अभी मैंने देखो इसको डीजल डाल के इसको क्लीन किया तो पूरा क्लीन हो गया इस तरीके से। तो इसी तरीके से अंदर से इंजन क्लीन हो जाएगा। दोस्तों, फिर इसमें 0.5 से 1.5 लीटर हम डीजल डालते हैं एक बार, फिर इंजन को स्टार्ट करेंगे। तो इंजन के अंदर जितना भी जमा होगा वो ऑयल निकल जाएगा, ज़्यादा नहीं, बस 30-35 सेकंड। अभी ये ढक्कन लगा देते हैं, अभी इंजन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा रेस वगैरह नहीं देंगे, ऐसे स्लो रखना चाहिए। दोस्तों, हो गए 30 से 35 सेकंड, अभी इसको खोलते हैं, पहले ड्रेन बोल्ट खोलते हैं उसके बाद फिर इसमें चलेंगे। अभी फिल्टर खोलते हैं, फिल्टर मैंने हाथ से टाइट किया था। काफ़ी हद तक क्लीन हो गया है अंदर से, तो अभी इसको ड्रेन होने देते हैं एक बार। ये देखो दोस्तों, इतना डीजल हमने इसमें डाला था और 30-35 सेकंड के लिए बस ओनली स्लो रेस्पेक्ट इंजन को चलाया, तो इतना देखो इंजन जो डीजल है ब्लैक हो गया पूरा, मतलब काफ़ी हद तक जो इम्प्योरिटी जमी हुई थी अंदर वो निकल गई है। तो अभी थोड़ी देर ड्रेन होने देते हैं, फिर उसके बाद नया इंजन ऑयल डालते हैं। दोस्तों, अभी देखो जो ड्रेन बोल्ट है वहाँ के होल से बिल्कुल भी ऑयल नहीं आ रहा, आप देख पा रहे होंगे, जैसे हमने ब्लोअर से ऊपर से हवा लगाई वो सारा ऑयल निकल गया, पूरा ड्रेन हो गया। तो अभी बोल्ट को क्लीन करके लगा देते हैं और इसको टाइट कर देते हैं,
पूरा टाइट हो गया। दोस्तों जब भी आप ऑयल इंजन ऑयल चेंज करो तो कोई भी कंपनी का लाओ, जेनुइन होना चाहिए। ये जैसे कैस्ट्रोल का है MGP की ओर से, तो पूरा काट लेते हैं। तो ये फिल्टर भी MGP का ओरिजिनल, फिल्टर को पहले रीफिल कर लेंगे पूरा, ताकि जब शुरू में गाड़ी स्टार्ट करें तो कम से कम लॉस हो उनका घिसाई का जो होता है। तो इसके अंदर डाल लेते हैं। और कुछ इसके ऊपर लगा लेते हैं, जो सील है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। वैसे तो फ्लेक्सिबल होती है, तो पर जब भी इसको चेंज करते हैं तो हर बार लगाते हैं, शायद इसका यही कारण है। दोस्तों इंजन फिल्टर जब हमने पूरा फिल कर लिया तो इसको सिंपल हैंड टाइट कर देते हैं, फिर बाद में टूल से टाइट कर देंगे। ये हाथ से टाइट हो गया, अभी टूल से टाइट करते हैं थोड़ा सा। टूल से इस तरीके से ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, एक बार नॉर्मल टाइट करके फिर इंजन स्टार्ट करके चेक करेंगे हम, अगर लीकेज है तो ही और टाइट करेंगे। बस इतना टाइट होता है एक बार, बाकी इसको हैंड टाइट करते होते हैं। ट्रैक्टर के जो फिल्टर हैं बाहर से दिखते हैं तो वहाँ पे जोर लग जाता है सही से, यहाँ पे हाथ से जोर नहीं लगता, तो उनको हैंड टाइट हाथ से टाइट करते होते हैं और हाथ से खोलते होते हैं, तो लीकेज नहीं होती है। तो पूरा क्लीन कर देते हैं दोस्तों, अभी इंजन ऑयल रीफिल कर देते हैं। बाकी रीफिल करके एक बार चेक कर लेंगे, आधा लीटर जब ऑयल बचेगा, इंजन ऑयल जो गाज होता है उसे चेक कर लेंगे, कहीं ज़्यादा ऑयल ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नुकसान करता है और थोड़ा बहुत कम हो तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, पर कम नहीं होना चाहिए शुरुआत में, कम से कम तब तो कम नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा बच गया इसमें पावर, तो अभी एक बार चेक कर लेंगे, दो मिनट का गैप देके नीचे जाने का टाइम लेता है। दोस्तों अभी चेक कर लेते हैं इंजन गाज से, तो ये देखो इसमें यहाँ तक दिखा रहा है, तो वैसे आपको पता ना चले, एक बार इसको क्लीन करके दोबारा चेक कर लेते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ तक दिखा रहा है, यहाँ तक शायद आपको दिखाई दे रहा हो, बाकी इंजन ऑयल इतना क्लीन का पता नहीं चल रहा है। जो ऊपर वाला डोटा इससे थोड़ा सा ऊपर ही है, तो इसका यह हो सकता है गाड़ी हमने थोड़ी ऊपर खड़ी कर रखी है, तो इतना इनफ है। तो अभी एक बार ढक्कन लगा देते हैं और गाड़ी को स्टार्ट करके लीकेज चेक कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों, बिल्कुल लीक नहीं कर रहा है अभी, हमें गाड़ी को एक्सीलेट करके चेक कर लिया है, तो ये ड्रेन बोल्ट है ये लीक नहीं कर रहा है, तो सारा कुछ ओके है और गाड़ी स्टार्ट भी स्मूथली हो रही है। मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको, गाड़ी बिल्कुल स्मूथली स्टार्ट हो रही है एकदम मस्त। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।